नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। नमस्ते मुनीम जी। अरे आइए आइए नटवरराज जी, कसम भाई खाते कि मैं आप ही को याद कर रहा था। धंधा है? वही तो देने आया हूँ। ये लीजिए 5,000 25 बोरी धान के। वो तो ठीक है मगर बाकी 2 बोरी के वो भी लाया हूँ हुजूर। अरे वाह, अरे नटवर लाल जी कसम वही खाते की आप बहुत ईमानदार आदमी हैं। राम जरा कट लो सकरी करी से। ए मालिक। राम राम छोटे सरकार। इस शहर में आपका मुंह किसने काला कर दिया? आप अपने चश्मे का नंबर बदलवाइए मुनीम जी। ये कालिख नहीं कीचड़ है। कीचड़? ओ, कीचड़ है। आपकी तारीफ। मैं ये मेरे दोस्त हैं बाबू। अच्छा आइए आइए, मालकिन कब से आपका इंतजार कर रही है। आइए आइए। अरे भाई राम दीन। राम राम छोटे मालिक। राम राम। चल 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 साहब का सामान उतार चल। तो आखिर तू आ ही गया। नमस्ते माँ। नमस्ते जी सर। अरे ये क्या, इतना कीचड़ कैसे लग गया? वो क्या हुआ माँ कि गांव में घुसते ही एक जंगली बिल्ली ने पंजा मार दिया। जंगली बिल्ली? जी हाँ आंटी, वो क्या है कि कीचड़ में सनी हुई थी। हा? इन पर ऐसी छलांग लगा कि इनके सारे कपड़े खराब कर दिए। कसम वही खाते की बिल्ली ने कहीं पंजा तो नहीं मारा? नहीं मुनीम जी, वो तो दूर से ही निकल गई। हाँ माँ, ये मेरे दोस्त है बाबू, मैं इनका परिचय करवाना ही भूल गया, शहर से मेरे साथ आए हैं। अच्छा जाओ तुम लोग नहा धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। अच्छा अच्छा आओ बाबू। जंगली बिल्ली मेरे होते यहाँ कैसे आ गई? लगता है आज बदन में बड़ी गर्मी है, सारा दिन नहाने का इरादा है क्या? नहीं रम्या, बार बार नहाने का शौक किसे है। वो क्या हुआ कि मैं यहाँ से नहाकर लौट रही थी, रास्ते में एक मोटर वाले बाबू ने कीचड़ उछाल दिया। हाय राम, सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे, मैंने भी नहीं छोड़ा उसे। अच्छा लगता है जमींदार शहर से आ गए। क्या किया तूने? मैंने तो इस पर कीचड़ उछाल दिया। छी छी छी, मैं तेरी जगह होती ना तो कुछ और ही करती। क्या करती? अपने कपड़ों की धुलाई के पैसे वसूल कर लेती। माँ बाबू शहर में वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री खोल रहा है और मैंने इसे 2,00,000 रुपए देने का वादा किया है, और इसके बाद तो इसका बैंक लोन भी पास हो जाएगा। लेकिन तुमने हमसे पूछे बगैर सलाह किए बगैर इतनी बड़ी रकम देने का वादा कैसे कर लिया? माँ मैंने इसलिए वादा किया कि मुझे पूरा विश्वास था कि आप मना नहीं करेंगी। आप मेरी अच्छी माँ है ना? माँ शहर में बाबू ने मेरी बहुत सेवा की है, इसीलिए तो मैं इसे साथ ले आया। अब जब तुमने वादा कर ही दिया है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं हो सकेगा। क्यों माँ? अभी फसल की पूरी वसूली जो नहीं हुई। आंटी इस वक्त कितने तक का इंतजाम हो सकता है? अभी बेटा 1,00,000 रुपए तक कर सकती हूँ, बाकी की रकम मैं जल्दी बाद में भिजवा दूंगी। आंटी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है प्लीज। ठीक है, तुम कल सुबह पैसे ले लेना। थैंक यू मच। अच्छा जाओ अब जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई। अच्छा माँ। क्या सोच रहा है बाबू? यार मैं सोच रहा था कि वो 1,00,000 रुपए में गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी दोस्त? अब जो भी है तुझे ही पटाना होगा। हाँ मुसीबत गले पड़ी है, संभालना तो पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, इंस्पेक्टर को पटाने की कोशिश मैं करता हूँ, तू वो 2,00,000 का इंतजाम जल्दी करके रखना, वरना हम सब फंस जाएंगे और हाथ का 1,00,000 रुपए भी चला जाएगा। बाबू ये इंस्पेक्टर को पटाने का काम तू ही कर सकता है। बाबू। जी आंटी। कल ये कह रहा था कि शहर में तुमने इसकी बड़ी सेवा की है। जी आंटी वो ऐसी कोई बात ही नहीं, दरअसल मैंने तो दोस्ती का फर्ज निभाया है। तो एक और फर्ज निभा दे। बोले ना। इसे शादी के लिए मना ले, जब भी मैं शादी की बात करती हूँ ये टाल देता है। अगर इसे शहर में कोई लड़की पसंद है तो हम उसे भी देखने को तैयार है। नहीं नहीं आंटी ऐसी तो कोई बात ही नहीं है।
आप तो बेकार में शक कर रही हैं माँ। शादी करने का भी मेरा कोई इरादा नहीं। मुझे तो तेरे दिमाग में क्या है कुछ समझ में नहीं आता। अगर तू शादी नहीं करेगा तो हमारा वंश कैसे चलेगा? यार तू भी कमा करता है, माँ को नाराज करके सारा मामला बिगाड़ेगा। चल। लो जी धोबन आ गई। ये लो। ले ले, सारे कपड़े गिन कर ले जाना। ठीक है। एक दो तीन। मैंने भी उस पर कीचड़ उछाल दिया। नहीं बाबू, अभी मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। लाख रुपए की बात है तो शादी के लिए माँ को नाराज मत करना बस। राम राम मालिक। राम राम रमी। ये शेरी बाबू क्या गांव देखने आए हैं? हाँ देखने तो गांव ही आए हैं। आप दिखाएंगे ना अपना गांव? हाँ हाँ क्यों नहीं। खैर आइंदा आऊंगा तो आप दिखाएंगे ना गांव? आप जब भी गांव आएंगे बाबूजी हम सारी जगह दिखा देंगे। मेहमान की सेवा करना तो हमारा फर्ज है, क्यों छोटे मालिक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रमिया, चलो बाबू देर हो रही है। चलो यार। अरे यार धोबन भी क्या? अरे यार धोबन के चक्कर में मत पड़। अरे यार, यार मैं भूली जाता हूँ। टाइम हो गया, देर हो रही है, जल्दी कर। ये रख ये रख। अरे हाँ कुछ भूल मत जाना। ये लो जी, संभाल के रखना जी, और चोरों से बचकर रहना जी। अच्छा, और संभल के जाना। हाँ मन लगाकर अपना बिजनेस करना। पक्की बात, मन तो लगाऊंगा मैं। माँ मैं बाबू को स्टेशन तक छोड़ा। हाँ जरूर। चल बाबू देर हो रही है, जल्दी कर। प्रणाम। जल्दी कर। चलो इतनी तसल्ली तो हुई कि आधा माल लेकर वो खाओ इंस्पेक्टर अपनी जबान तो बंद रखेगा। आज नहीं तो कल मामला रफा दफा हो ही जाएगा। तू फिर सीरियस हो गया यार। मैं तो कहता हूँ तू चिंता विंता करना बिल्कुल छोड़ दे। एक बात बोलूँ यार, तेरा गांव भी शहर से कम रंगीन नहीं है। हाँ 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 क्या बुलबुले हैं। एक वो धोबन है ना, क्या आइटम है यार उस आलिम की, क्या अदाएं, क्या झटके, क्या फटके, क्या लड़के। मैं और वो लड़की याद है जिसने तेरे ऊपर कीचड़ उड़ाया था? हाँ क्या चीज है दोस्त, बिल्कुल अनछुआ माल है वो। जब तेरी बाहों में होगी और तू उसके बदन का मुआयना करेगा मजा आ जाएगा यार। तेरे तो यार जलवे है जलवे। अरे पार्वतिया तू यहाँ क्या कर रही है? चल जरा कोने में तेरे से बात करनी। मुआ शर्म नहीं आती? अरे जा जा, इसमें शर्म की क्या बात है? ए? जाके अपने बापू से बोल दे कि मसूरी पहुँचाते शाम तक। हाँ जा रे। अरे छमिया क्या बात है, बहुत दुबली हो गई। आज तुझे दवा दे दूँ? मुनीम जी मेरा बाप हकीम है, खुद दवा दे देगा। हट बुझे दवा दे देगा? अरे क्यों हकीम बनाया तेरे बाप ने अपने आप को? अरे दिलरुबा। अरे तेरा मरद तो बाहर गाँव गया है 2 साल से, अकेले ऐसे चला रही है। अब घर का काम काज। मुनीम जी मैं तो आप ही को ढूंढ रही थी। चलिए आपको वसूली देती हूँ जंगल में। वो भी ये तो वही लड़की जिसने टीचर उछाला था। अब तुम मैं सच खाता हूँ। दिखाई नहीं देता? क्या जान से मारोगे? मेरा मटका भी तोड़ दिया। अरे हम तुम्हें कहाँ जान से मारेंगे, मारा तो तुमने था। छोटी सरकार जी, आपको इसी वक्त आना था? नहीं छोटे सरकार, मेरे खाते की कसम मैं तो वसूली के लिए निकला था। इतने में देखा कि आपकी जीप खड़ी है और गंगा को आपने गोदी में उठाया हुआ है। मैंने सोचा कि आपकी जीप के साथ गंगा का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? उसे तो कुछ नहीं हुआ मुनीम जी, लेकिन हमारी प्यास अधूरी रह गई। वही खाते की कसम, प्यास पूरी हो जाएगी छोटे सरकार। अब बस 2 बोतल शराब। शराब और कुछ रुपए।
रुपए? हाँ छोटे सरकार, ये शंभू शराबी की बेटी गंगा है। शंभू शराबी गांव के किसी भी लड़के के साथ शराब की चंद बोतलों के लिए उसका रिश्ता तय कर देता है, और शराब के साथ साथ अगर कुछ रुपए मिल जाए तो। ठीक है मुनीम जी, ये लो रुपए। अरे वाह, कसम खाते की एक खाता और खुल गया। एकदम संतरे की असली चीज लाया हूँ ससुर जी। अब होने वाले ससुर जी। वही वही, इन देवियों की कसम अपनी आँखों के सामने उतरवा कर लाया हूँ। इसके पीते ही आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, एकदम असली माल है संतरे की तरह। अबे सिर्फ बोतल पकड़ने से ही तुझे नशा चढ़ गया है, जब से देख रहा हूँ हिल रहा है, झटके खा रहा है तू। राम राम शंभू काका। सियाराम सियाराम। कैसा है विडू? ये सारा चालू माल कहाँ से उठा रहा है? ये चालू नहीं, असली माल है पहली धार का। हाँ, इसलिए साला बोतल पे नकली लेबल लग रहा था क्या? भगवान संभाल कर बात करो कालू, राजू गाइड कभी झूठ नहीं बोलता। इसकी बातों में मत आना काका, इसकी बातों में मत आना। खुदा दत्ता की कसम मैं आपके लिए जमन की लाया हूँ, इसके पिले में आपकी सुरक्षा है। हाँ। असली नकली का फैसला अभी हो जाएगा, पहले संतरे की पियेंगे काका। जामुन की पियेंगे? संतरे की। चलो हिम्मत, मैं तो हिल रहा हूँ लेकिन आज मैं तुझे भी हिला दूंगा। संतरे की पियेंगे। जामुन की। संतरे की। जामुन की। संतरे की। साला कसम पैदा करने वाले की मैं अपना सुरक्षा में खुद कर सकता हूँ। जॉनी मेरा नाम नहीं था की कैसे फ्राई की थी उस हीरा की मैंने है? अरे सत्यानाश हो देवानंद मिठुन तेरा, अरे सब तोड़ दी, जाओ दूसरी नई बातें लेकर आओ, जाओ रे। अब की बताओ मैं क्या था? अरे अरे दोनों बातें टूट गई, अलग सुख रहा है, अलग सुख रहा है मेरा। ये छोटे सरकार ने भेजी है तुम्हारे लिए। छोटे मालिक भाई खाते की कसम जानते हो क्यों? क्यों? अरे शंभू तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं, अब तो रोज तुम्हें अंग्रेजी शराब मिला करेगी। छोटे मालिक की इतनी मेहरबानी? भाई खाते की कसम छोटे सरकार का गंगा पर दिल आ गया है। अरे कुछ ही घंटों की तो बात है। कुछ ही घंटों की बात? किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये कैसे हो सकता है मुनीम जी, ये नहीं हो सकता। अबे क्यों? अबे एक झर्रे की बोतल के लिए पूरी उम्र भर का रिश्ता कर लेता है अपनी बेटी का। अबे छोटे सरकार ने तो अंग्रेजी भिजवाई है तेरे लिए, और वो भी सिर्फ एक रात के लिए। मैं मेरी बेटी के रिश्ते का सौदा करता हूँ मुनीम जी, बेटी का नहीं। शराब मेरी कमजोरी जरूर है, पर मैं शराब के लिए मैं अपनी बेटी को नहीं बेचता, इतना कमीना इंसान मैं नहीं हूँ। आप चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए। ऐसी तेरी मर्जी, अरे हम तो तेरी भलाई के लिए आए थे। वही खाते की कसम, अब हमें जो करना है वो तो हम कर ही लेंगे। लगता है तेरे नसीब में अंग्रेजी की है ही नहीं। एक बोतल छोड़कर जा रहा हूँ, तेरी मर्जी, सोच लेना। अरे शंभू को इतना कमीना इंसान समझा है, एक बोतल के लिए मैं उसे बेच दूंगा। ओफो, क्या बात है, क्या चाहिए बाबू? आपकी मकसद सुने भी नहीं। जब से बड़े सरकार गुजरे हैं इस हवेली का दरवाजा ही बंद हो गया था, लेकिन छोटे सरकार ने इसे खुलवा ही दिया है। मुनीम जी आइए आइए, लीजिए एक जाम आपकी सेहत के नाम। जी
years my name ji. Malik, अब थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, तो ये जन्नत का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा. वो कैसे महन जी? धक्का दीजिए, धक्का यो. आइए आइए आइए. फॉलो मी. वाह मुनीम जी वाह, तो सचमुच में ही जन्नत का दरवाजा लगता है. तुम डर क्यों रही हो? आज मेरे और तुम्हारे सिवाय कोई नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस बंद कमरे में क्या हुआ. और इतने अच्छे मौके को हाथ से गंवा देना क्या बेवकूफी नहीं होगी? कितने गंदे ख्याल थे आपके. आपके इस घिनौने रूप के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी. मैंने तो समझा था आप हमारे रक्षक हैं, लेकिन यहाँ तो रक्षक के भक्षक निकले. अरे रखवाला अगर रखवाली करते हुए एक फल चख भी लेता है तो उसमें कौन सा गुनाह हो जाता है? गुनाहगार कभी अपना गुनाह कबूल नहीं करता. ज्यादा जुबान मत चला. क्या कमा लेती है खेतों में काम करके? मैंने पूरे 300 रुपए दिए हैं मुनीम को तेरे लिए. 300 रुपए? अरे वो कम पड़ते हैं तो और ले ले. ये ले, ये सब तेरे लिए है. तेरे लिए. मैं बाजारू लड़की नहीं हूँ छोटे जमींदार, जो इन चंद कागज के टुकड़ों के लिए अपना शरीर किसी के भी हवाले कर दूं. लगता है तू सीधी तरह नहीं मानेगी गंगा. यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं गंगा, और विक्रम चौहान अपनी कीमत वसूल किए बिना किसी को छोड़ता नहीं. छोटे जमींदार, जो मेरे साथ अग्नि के साथ फेरे लेगा मुझसे शादी करेगा उसी का इस शरीर पर अधिकार होगा. हम तुम्हें पढ़ने का फैसला कर चुके हैं गंगा. तुम जाओ.
क्या हुआ गंगा, रो क्यों रही हो? मैंने रात को एक भयानक सपना देखा गोपाल, कोई मुझे तुमसे दूर लिए जा रहा है। अरे पगली, सपने भी कभी सच होते हैं क्या? कभी कोई सपना सच भी हो जाता है गोपाल। मेरा दिल घबरा रहा है, तुम आज ही जाकर मेरे बापू से बात कर लो, फिर पता नहीं हम मिल भी पाएंगे या नहीं। अच्छा अच्छा, मैं आज ही जाकर तेरे बाबू से शादी की तारीख पक्की कर लेता हूँ। बस अब तो खुश है ना, मुस्कुरा देना। ये देख, ये चार लड़कियों की तस्वीर मुझे तो पसंद है, अब तू ही देख ले, सब पढ़ी लिखी और खानदानी है। मैंने लड़की पसंद कर ली है माँ। अच्छा, कौन सी? इनमें से कोई भी नहीं। तो फिर कौन सी? गंगा। गंगा? कौन गंगा? वो हमारे गांव के शंभू की बेटी। विक्रम, तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना? मैंने सोच समझ कर ही फैसला किया है माँ। नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता। तू अपने खानदान की मान मर्यादा को भूल गया? एक शराबी की लड़की से शादी करना चाहता है जिसकी कोई औकात नहीं? अरे ऐसे कौन से चांद सितारे लगे हुए उस लड़की में कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे घर की खानदानी लड़कियों के रिश्ते ठुकरा रहा है और गरीब की लड़की से शादी करना चाहता है, रास्ते की धूल को माथे का तिलक बनाना चाहता है? तो फिर आप मेरी शादी को भूल जाइए। छोटी मुंह बड़ी बात, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ मालकिन? क्या है? आप तो जानती हैं कि हमारी सरकार गरीबों के उद्धार के लिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना रही है, क्या क्या नहीं कर रही है गरीबों के लिए। हमारे छोटे सरकार का उसी रास्ते में ये छोटा सा एक कदम है। आपने छोटी सरकार को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजा था, वहीं से तो नए विचार लेकर आए हैं ये। वही खाते की कसम मालकिन, रुपया पैसा जमीन जायदाद किसी चीज की भी कमी नहीं है हमें, कमी है तो सिर्फ एक बात, हमारे घर के वारिस की। आप तो जानती हैं छोटी सरकार बड़े सरकार की तरह जरा जिद्दी है, एक बार जो ठान लिया तो ठान लिया। मैंने आपका नमक खाया मालकिन, बही खाते की कसम छोटे सरकार ने हाँ कर दी है, आप भी मान जाइए। ठीक है, आप शंभू को बुलवा लीजिए।